डियर स्टूडेंट, मैं श्रद्धा इंटर कॉलेज से इस्लाम सर आज आप लोगों को बताऊंगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, सबसे पहले इसको रचना देखते हैं, फिगर समझते हैं। तो लिखेंगे, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। वैद्युत द्विध्रुव ए बी का मध्य बिंदु ओ है। बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P है और इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। वैद्युत द्विध्रुव AB का मध्य बिंदु O है। बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो जो बताया है वहाँ पर देखा, एक बार फिर देखिए, यह AB हो गया। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। वैद्युत द्विध्रुव AB का मध्य बिंदु O है। बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इन दो आवेशों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी निकालेंगे। तो दूरी के लिए देखिए, यहाँ पर अभी लंबवत है तो यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण का मान निकालने के लिए इसको क्या हो जाएगा कि पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण का जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है वह शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे इसका मान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस कितना आधार स्क्वायर। तो L के स्थान पे हम मान ले R स्क्वायर और प्लस A के स्थान पे मान ले L स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण स्क्वायर, तो वर्ग जब इधर से जाएगा तो इधर रूट बना लेगा, तो कर्णी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्णी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ पर B से P के बीच की दूरी भी सेम उतना होगा, कर्णी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए लिख दिया गया है कि चित्र से स्पष्ट है कि A से P के बीच की दूरी कर्णी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और B से P के बीच की दूरी कर्णी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। अब हम पहले इस आवेश कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, फिर इस आवेश कारण, उसके बाद आगे समझेंगे। तो लिखिए क्या करेंगे, लिखेंगे कि यदि पहले इसके कारण, तो यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है कि माइनस क्यू, माइनस क्यू। तो लिखेंगे यदि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ईवन हो, तो ईवन के लिए क्या हो जाएगा। देखिए सूत्र होता है कि E बराबर 1/4πε0Q/r2, यह सूत्र होता है। तो यहाँ पर E के स्थान पे हम E1 माने हैं, 1/4πε0 नियतांक है, Q के स्थान Q रहेगा, R क्या है दूरी, और इस आवेश से इस बिंदु P के बीच की दूरी है कड़ी में आर स्क्वायर प्लस कितना एल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि E1 बराबर 1/4πε0Q/√r2+L2 का होल स्क्वायर, और जब वर्ग करेंगे तो ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और जब यह रूट हट जाएगा तब के लिए देखिए क्या हो जाएगा कि E1 बराबर 1/4πε0Q/√r2+L2। अब इसकी दिशा देख लेते हैं। तो हम बताए थे कि प्लस आवेश के लिए दिशा उधर होती है जिधर ज्ञात करना है, तो इसकी दिशा हो गई ए से पी की ओर, और ऋण आवेश के लिए दिशा उसके विपरीत होती है जिधर ज्ञात करना है। तो ज्ञात तो करना है कि ए से पी की ओर, लेकिन दिशा होगी पी से ए की ओर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण ज्ञात करना है ए से पी की ओर, लेकिन दिशा होगी पी से ए की ओर। तो यहाँ पर लिख देंगे कि ईवन की दिशा पी से ए की ओर, ठीक ना। अब जैसे इसके कारण निकाल लिया माइनस क्यू आवेश कारण, ठीक उसी तरीके से निकालेंगे किसके कारण, प्लस क्यू आवेश कारण। तो लिखेंगे कि यदि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो, तो E2 बराबर 1/4πε0, सेम वही सूत्र, ये वाला सूत्र, E बराबर 1/4πε0Q/r2। तो E के स्थान पे E2 रख देंगे तो बराबर 1/4πε0Q/r क्या है दूरी, और यहाँ पर भी देखिए दूरी कितना है, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और जब वर्ग करेंगे तो यह कड़ी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो कड़ी हट गया तो E2 बराबर 1/4πε0Q/√r2+L2। अब यहाँ पर धन आवेश के लिए दिशा उधर होती है जिधर ज्ञात करना है, तो देखिए धन आवेश के लिए ज्ञात करना है किधर, बी से
पी की ओर, तो इसकी दिशा किधर होगी, बी से पी की ओर। देखिए यहाँ पर ई टू जो है यह तीर किधर जा रहा है, तीर जा रहा है बी से पी की ओर। यह जो ई वन का तीर था, ई वन का तीर आ रहा है किधर, पी से ए की ओर। ठीक, तो अब हम देख लेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से थोड़ा समझिएगा कि यदि यहाँ पर हम कोई यम द्रव्यमान का पिंड रख दे रहे हैं, यम द्रव्यमान का पिंड रख दे रहे हैं, और इसके यहाँ पर कोई सड़क है, यहाँ पर मान लेते हैं कोई सड़क है, और इस यम द्रव्यमान के पिंड पर दो बल कार्य कर रहे हैं। एक बल जो है वह इस दिशा में लग रहा है और एक बल जो है वह इस दिशा में लग रहा है। तो यह पिंड विस्थापित किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा। तो यह जो विस्थापित हो रहा है वह इस सड़क के क्षैतिज हो रहा है कि ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज हो रहा है, क्योंकि एक दूसरे के क्या समांतर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर बिंदु पी पर हमें परिणामी ज्ञात करना है। तो बिंदु पी पर परिणामी, तो ई वन की दिशा तो नीचे की ओर है, ई टू की दिशा तो उस साइड है, तो परिणामी ज्ञात करेंगे तो यह परिणामी निकलेगा या क्षैतिज। क्षैतिज निकलेगा तो हम क्या करेंगे कि ई वन और ई टू के क्षैतिज घटकों का योग कर कर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे देखिए क्या, कि E1 तथा E2 के क्षैतिज घटकों का योग अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान के बराबर होगा। क्षैतिज घटक को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कास का। तो क्या हो जाएगा, E बराबर E1 कास थीटा अब प्लस E2 कास थीटा। इसका मतलब कि E1 का क्षैतिज घटक और इसका मतलब कि E2 का क्षैतिज घटक। तो देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब यहाँ पर देखिए कि E1 और E2 दोनों का संख्यात्मक मान क्या है, समान है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो यहाँ पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पर q/r² + l², तो यहाँ पर भी देखिए q/r² + l², तो दोनों का संख्यात्मक मान समान है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि E1 बराबर E2। तो हम क्या करते हैं कि E2 के स्थान पे E1 लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 के स्थान पे क्या लिख दिए, E1, तो E1 cos थीटा। अब E1 cos थीटा E1 cos थीटा जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2E1 cos थीटा। अब इसमें हम E1 का क्या रख दें, मान। और जब इसमें हम E1 का मान रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कि E बराबर 2 × E1, और E1 का मान कितना है, E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन q/r² + l². तो यहाँ पर लिख देंगे कि 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन q/r² + l² cos थीटा। अब यहाँ पर 2 का गुणा चाहेंगे तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 q, इस 2 का गुणा इसमें कर दिए तो 2 q/r² l² cos थीटा, इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। अब बस हम समीकरण 1 के साथ समकोण, इसमें से कोई एक समकोण त्रिभुज लेंगे और cos थीटा का क्या निकालेंगे, मान। तो देखिए यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज ले रहे हैं ए ओ पी, और यहाँ पर हम मान ले रहे हैं बीच का बना कोण थीटा। तो बताइए cos थीटा निकालना है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो cos थीटा, तो थीटा के सामने का जो होता है वह लंब होता है, तो लंब का मान r हो गया। 90° के सामने का जो होता है वह कर्ण होता है, तो कर्ण का मान r² + l² कड़िम हो गया, और यहाँ पर आधार का मान l हो गया। तो लिखेंगे cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार, आधार का मान कितना है l, तो आधार के स्थान पर l रख दे, और कर्ण, कर्ण का मान कितना है, √r² + l², तो यहाँ पर रख देते हैं √r² + l². अब कड़ी का मतलब होता है 1/2, तो यहाँ पर हम चाहें तो लिख सकते हैं कि बराबर l/r² + l² के पावर कितना, 1/2। अब समीकरण 1 में cos थीटा के स्थान पर लिखना पड़ेगा l/r² + l² पावर 1/2। लिखेंगे कि समीकरण 1 में cos थीटा का क्या रखने पर, मान रखने पर, तो लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 q/√r² + l² cos थीटा। cos थीटा का मान कितना रखना है, l/r² + l² पावर 1/2। अब देखिए नियम होता है कि x/x = क्यों, क्योंकि जब आधार समान हो तो घात आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक उसी तरीके से r² + l² / r² + l²
कि पावर 1/2, तो यहाँ पर आधार समान है, इसका घात 1 है, इसका घात 1/2, तो जुड़ेंगे तो 1 + 1/2, तो इसको हल करेंगे 3/2। तो इसको अगर चाहेंगे गुणा के पश्चात लिख सकते हैं कि R² + L² बराबर कितना, 3/2। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो गया, जब यहाँ पर आधार समान है तो इसके पावर 1 है और इसके पावर 1/2 है, जब गुणा करेंगे तो जुड़ जाएगा, तो हो गया R² + L², इसके पावर 1 में प्लस 1/2 करेंगे तो आएगा 3/2। यह 3 है, 3/2। और यहाँ पर देखिए, इस गुणा में हम आगे पीछे कर सकते हैं, तो 2L * Q, इसको हल करेंगे तो इतना आएगा। अब वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा होती है, वैद्युत ध्रुव के आघूर्ण की, कि P = Q * कितना, 2L। तो जहाँ पर Q * 2L है, वहाँ पर क्या लिख सकते हैं, P। तो यहाँ पर 2L * Q है, तो S के स्थान पे हम P लिख देते हैं, तो यहाँ पर हो गया Q * 2L के स्थान पे P हो गया। तो E = 1/4 πε₀P^R² + L² 3/2। अब देखिए कि यहाँ पर R बड़ी राशि है और L छोटी राशि है, तो छोटी राशि का वर्ग करेंगे तो उसका मान और भी छोटा आएगा। तो यहाँ पर लिखा गया, चूंकि R² बहुत बड़ा है L² से, इसलिए हम L² के मान को छोड़ देते हैं। तो L² के मान को छोड़ देंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, E = 1/4 πε₀P^R²। L² को छोड़ दिए तो यहाँ पर बचा R² π/3/2, या 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, और 2 से 2 कैंसिल तो बचा क्या, क्यूब। तो यहाँ पर हो गया E = 1/4 πε₀P^R³। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। ठीक।